हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव उज्जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट को लेकर है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। इसमें जो है यहाँ पर एसएससी को काफी बड़ी रिलीफ दी गई है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और जब भी आप अपने नोटिस के रिप्लाई बनाए तो उसमें आपको जो है जजमेंट्स भी मैंशन करने हैं, ताकि जो जजमेंट्स आए हुए हैं एसएससी के फेवर में भी काफी सारे जजमेंट्स आए हैं, उससे क्या होगा कि जो आपका रिप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपील में जा रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है प्रॉपरली जो भी जजमेंट्स है उनको मेंशन करना होता है। तो ये लेटेस्ट जजमेंट है, इसकी जो पीडीएफ कॉपी है आप जो है ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एसएससी की बिल्कुल जेन्युइन हार्ड सिक थी, और इसमें जो है डिमांड नोटिस थी, 50 लाख रुपए का डिमांड थी, उसको यहाँ पर जो है सेट असाइड किया गया है, ये नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो आपके भी अगर नोटिस है आप उसको जो है इस तरीके से प्रोसीड करके आप भी जो है उसको नल एंड वॉइड करा सकते हैं। इसमें जो है इंटरेस्ट भी था, इंक्लूडिंग पेनल्टी थी, सेक्शन 73 में ये जो है ऑर्डर पास किया गया था। और ये जो इम्पंच ऑर्डर है बिल्कुल लेटेस्ट है, ये 30 मार्च 2024 को पास किया गया है, ठीक है। तो 30 मार्च 2024 को ये जो है इम्पंच ऑर्डर पास किया गया है, जिसके रिगार्डिंग पहले एक नोटिस आया था वो 9 दिसंबर को आया था, जिसमें 50 लाख की डिमांड कन्फर्म की गई थी। जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने जो है यहाँ पर फाइनल सबमिशंस दिए। उन सबमिशंस में इन्होंने कहा, सबसे पहला पॉइंट है, ये पॉइंट्स आप नोट करते रहिएगा, आपको भी आगे अपने ड्राफ्टिंग में काफी हेल्प मिलने वाली है। हालांकि ड्राफ्टिंग के लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जो है डायरेक्ट जो है जो भी ड्राफ्ट्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उनको जो है अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है पेटिशनर ने सबमिट किया, उन्होंने जो है 1 फरवरी को जो है डिटेल रिप्लाई सबमिट किया था। However, the impunge order dated this did not take into consideration the reply. और जो उन्होंने रिप्लाई सबमिट किया था उसको जो है जो भी प्रॉपर ऑफिसर है या एडजुकेटिंग अथॉरिटी है उन्होंने कंसिडर नहीं किया, और उसके बाद जो है एक ऑर्डर पास कर दिया। अब यहाँ पर जो इन पे एलिगेशन लगाई गई थी सोपोज नोटिस में, वो कुछ ITC क्लेम को लेकर लगाई गई थी, इन्होंने ITC एक्सेस क्लेम कर लिया या फिर उन्होंने आउटपुट लाइबिलिटी को प्रॉपरली सबमिट नहीं किया, उसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने डिटेल रिप्लाई जो है अपना फर्निश किया। जो इम्पंच ऑर्डर है उसमें जो है प्रॉपर नरेशन भी रिकॉर्ड की है, और प्रॉपर नरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिकॉर्ड की गई है, और क्या लिखा गया है वो समझिएगा ध्यान से। इस तरह के काफी सारे ऑर्डर जो है एसएससी के अगेंस्ट में पास हुए हैं, तो अगर इस तरह की भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है वो जस्टिफाइबल नहीं है। इट स्टेट्स दैट एंड वेयर एज द टैक्स पेयर हैज फाइल्ड द ऑब्जेक्शन रिप्लाई ऑनलाइन थ्रू DRC 06 विच हैज बीन एग्जामिन्ड थ्रोली एंड वॉज फाउंड टू बी डिवॉइड ऑफ द मेरिट्स। Further, a reply on other issues is found devoid on merits without any justification or proper reconciliation. Therefore, the demand raised with detailed reason explanation is supposed DRC 01 is upheld. DRC 07 is issued accordingly. तो अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता था कि प्रॉपरली जस्टिफिकेशन नहीं आया, सबमिशन नहीं आया, तो दोबारा भी ले सकते थे। इसका मतलब है यहाँ पर जो है SSC को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। प्रॉपर ऑफिसर हैज ओपिनियन, प्रॉपर ऑफिसर की ओपिनियन है कि रिप्लाई जो है डिवॉइड है मैटर्स और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन देखिए इम्पंच ऑर्डर में, क्योंकि इम्पंच ऑर्डर 30 मार्च को पास किया गया है, सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि इन्होंने जो है रिप्लाई को कंसिडर नहीं किया या किया है तो फिर उसमें जो है ये लिख दिया है कि पेटिशन का जो रिप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, जबकि उन्होंने रिप्लाई जो है सबमिट किया है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता था कि ये सही नहीं है, कम से कम वो जो है उनसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते थे। He merely held that the reply devoid of merits. तो ये वो खुद से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? With explanation shows that proper officer has not applied his mind. यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर ने जो है माइंड को अप्लाई नहीं किया, जो भी SSC ने रिप्लाई सबमिट किया था उसको भी प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया। फर्दर इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज ड्यू ऑफ द डेट, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता था कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं तो और फर्दर डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते थे। However, the record does not reflect. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर ऑफिसर ने कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हो कि क्या आप आइए यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को फर्निश कीजिए। इन व्यू ऑफ द अबव द इम्पंच ऑर्डर दिस कैन नॉट बी सस्टेन, इसीलिए जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और रेमिट बैक किया है प्रॉपर ऑफिसर को। अकॉर्डिंगली द इम्पंच ऑर्डर दिस सेट असाइड एंड मैटर इज रेमिट बैक टू द प्रॉपर ऑफिसर। पेटिशनर सर रिप्लाई, पेटिशनर जो है 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है, जिस दिन ये जजमेंट ऑर्डर पास हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है रिप्लाई करेंगे। देयरफॉर प्रॉपर ऑफिसर उसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर जो है इसको जो है रीएजुकेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग प्रोवाइड करेंगे और अब की बार जो है स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो कह देंगे अब की बार भी जस्टिफाई नहीं हो रहा, अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो SSC से ले लेंगे।
अकॉर्डिंग टू लॉ अंडर सेक्शन 75 सेक्शन 3 में प्रॉपरली जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग जो है अब की बार यहाँ पर पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हुए जो है केस डिसाइड होगा। इट इज क्लैरिफाइड दैट द कोर्ट हैज नाइदर कंसीडर नॉट कमेंटेड अपॉन द मेरिट्स, और जो भी ये जजमेंट आया इससे कोई मेरिट्स नहीं ली जाएगी, जो ये फाइनली एसएससी सबमिट करेंगे उसके बेस पर ही फ्रेश ऑर्डर पास होगा। तो ये था लेटेस्ट जजमेंट, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। इसी टाइप के जो वीडियोज हैं आप उनको देखेंगे आपको 100% हेल्प रहेगी, जब भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।